गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ उमेश दत्त इन क्लास BSc पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आज हम जो हमारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमें किसी एनिमल की डेवलपमेंट प्रोसेस को जो पढ़ना है उससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र की बात करेंगे। और क्योंकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस होते हुए अपनी स्टडी को करना है, इसलिए हम इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग अलग स्टडी करेंगे। हम टाइप स्टडी मेंबर के लिए किसी भी मैमल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेते हैं तो हम पाते हैं कि जो मैमल है वो बेसिकली यूनिसेक्सुअल होता है और इसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो फीमेल के गर्भाशय में होता है। साथ ही ये एनिमल विविपेरस होते हैं, यानी ये संतान के रूप में या यंग वंस के रूप में अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अंदर हमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्शन सिस्टम की स्टडी करनी है। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पिक्चर है। बेसिकली यह सिस्टम एक जोड़ी टेस्टिस, वन पेयर एपिडिडिमिस और एक जोड़ी शुक्र नलिकाएँ और मूत्रमार्ग और पेनिस साथ में एसेसरी ग्लैंड से मिलकर बना होता है। तो हम वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर की पोजीशन और उसके फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वृषण या वृषण कोश, जिसे हम टेस्टिस या स्क्रोटल सेक्स कहते हैं। जो मैमल है उनके दोनों जो वृषण हैं वो उदर गुहा के बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे सेक्टोरल सैक कहते हैं। भ्रूणावस्था में या शिशु जब अवस्था होती है उस समय इन वृक्कों या टेस्टिस की जो स्थिति होती है वो बेसिकली बॉडी के इनसाइड या उदर गुहा में ही होती है, परंतु जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो ये शिफ्ट होकर जो है वृषण कोशों के अंदर अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही जो प्रत्येक वृषण जो उदर गुहा से एक स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा जुड़ा होता है और इसकी जो ये वृषण कोश हैं और इसके अंदर जो ये गुहा है उसके बीच में जो भी एक जो कैनाल सिस्टम बनता है उसे हम इन्ग्यूनल कैनाल कहते हैं। अब हम अगर हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस या वृषण की ओतिकी देखें तो ये मैमल्स में जो है नंबर में अधिक जो है कुंडलित जो हैं शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिकाएं बेसिकली संयोजी ऊतक से जो हैं एसोसिएटेड होती हैं और यह टेस्टिस एक कनेक्टिव टिश्यूज के आवरण द्वारा आपस में ढका रहता है, जिसे कि ट्यूनिका एल्बुमिना कहते हैं। साथ ही इस कवरिंग के बाहर जो बॉडी कैविटी है उस पर जो है पेरिटोनियम की एक जो है थिन लेयर प्रेजेंट होती है। जो शुक्रजन नलिका है वह जनन उपकला से कवर्ड होती है। मैमल्स के जो टेस्टिस हैं उसकी जो शुक्रजननीय कोशिकाएं या सेल्स हैं उनके बीच में कुछ सेल्स जो होती हैं वो फूली हुई पाई जाती हैं, जिन्हें स्पेसिफिक जो हैं सर्टोरी सेल्स कहते हैं और ये बेसिकली शुक्राणुओं को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है सर्टोरी सेल्स जो कि सेल्स को न्यूट्रिशन या आहार प्रदान करती हैं। और जब कंप्लीट डेवलप्ड जो स्पर्म है उसका जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वह अपने हेड रीजन या सिर वाली साइड से सर्टोरी सेल्स के अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं, जो कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। अब हम जब इसके सेकंड पार्ट पर जाते हैं तो उस जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसे एपिडिडिमिस कहते हैं। ये बेसिकली प्रत्येक टेस्टिस की जो इंटीरियर साइड है उसमें उसको कम्प्लीटली कवर्ड करते हुए एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है जो कि मीजोनेफ्रॉन का
जो है रेड्यूसिव जो रिड्यूस्ड पार्ट है वह होता है, और एपिडिडिमिस के जो है बेसिकली थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर पहला पार्ट है कॉर्पस एपिडिडिमिस, और दूसरा जो है वो विवर्धन क्षेत्र है, जो कि हेड रीजन है, जिसे कैप्यूट या शीर्ष एपिडिडिमिस कहते हैं, और तीसरा जो है अग्रसिरे पर, और अग्रसिरे के जो है विपरीत डायरेक्शन पर उसे हम कॉडल एपिडिडिमिसिस या पुच्छ एपिडिडिमिस कहते हैं। नेक्स्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो है वासा डिफ्रेंस यानी शुक्र वाहिनियाँ पाई जाती हैं, जो कॉडल एपिडिडिमिस है उसके पीछे जो है शुक्र वाहिनियाँ जो हैं कंटिन्यू रहती हैं, जो कि कैनाल से होती हुई उदर गुहा में एंटर करती हैं और अपनी जो दोनों और की जो उसकी मूत्र वाहिनी नलिका है उनके जो ट्यूब के चारों ओर एक कॉइल स्ट्रक्चर बनाती हुई ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती हैं, जिसे हम शुक्राशय कहते हैं। यह बेसिकली मूत्राशय के डॉर्सल साइड पर स्थित होता है और एक छोटी नलिका के रूप में यह मूत्राशय की गर्दन के अंदर अपनी ओपनिंग करते हुए खुलता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो मूत्र मार्ग है, जो मैमल्स के अंदर जो इसका मूत्राशय है और जो शुक्राशय है उन दोनों के एसोसिएशन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्रिएट होता है, जो कि बॉडी की डॉर्सल साइड बॉडी की जो है पीछे की ओर मूव करता है, और इस पाथ को हम उस मेंबर में मूत्र मार्ग कहते हैं, जो कि एक सीधी नली होती है और एक मस्कुलर जो बॉडी के अंदर ऑर्गन होता है पेनिस उससे होती हुई ये मेल जो जनन छिद्र है उसके द्वारा बाहर बॉडी में ओपनिंग शो करती है। फिर रिप्रोडक्शन को फॉर्म करने के लिए बॉडी के अंदर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे पेनिस कहते हैं मेल के अंदर वह एक सहायक ऑर्गन के फॉर्म में पाया जाता है। बेसिकली पेनिस में तीन अनुदैर्ध्य पट्टिकाएँ प्रेजेंट होती हैं, जो कि स्पंजी टिश्यूज़ की फॉर्म में बनी होती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय इनके अंदर जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड फ्लो भर जाता है, जिसके कारण जो है यूरेथ्रा को घेरे हुए कार्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट होता है और कार्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर जो है जब ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिविटी शो करता है तो उस समय ये बॉडी के अंदर संवेदी होने के कारण इरेक्ट हो जाता है और जो है आप अपनी बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है स्पर्म है सीमन है उसको फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करने के अंदर सहायक ऑर्गन की फॉर्म में कार्य करता है। नेक्स्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर हम एसेसरी ग्लैंड्स को भी स्टडी करते हैं, जिसमें बेसिकली मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एक जोड़ी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं वो यूटेरस से स्कुलनाइनस के जो है डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, और ये जो प्रत्येक ग्लैंड है उसमें अनेक जो हैं लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाहिनियों द्वारा मूत्र मार्ग के अंदर अपनी ओपनिंग को शो करते हैं। इनका जो सीक्रेशन है वो सीमन का जो है मेन पार्ट होता है, जो कि नेचर के अंदर एसिडिक होता है, और फंक्शनल एस्पेक्ट पर ये स्पर्म को एक्टिव बनाए रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट एनिमल में जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो काउपर्स ग्लैंड्स हैं, ये भी कपल फॉर्म में होती हैं यानी एक जोड़ी होती हैं, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स के ठीक पीछे प्रेजेंट होती हैं।
और इनका जो सीक्रेशन है वो बेसिकली मूत्र मार्ग में ही सीक्रेट करती हैं, और यह नेचर के अंदर जो है बेसिक होता है। और रिप्रोडक्शन के समय यह जो ये पाथ है उसकी इस इंटर एनवायरनमेंट को वो जो क्षारीय एवं चिकना बनाए रखता है, जिसके अंदर बेसिकली स्पर्म जो हैं आगे मूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड में हम पेरिनियल ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं। ये अपनी साइज़ के अंदर थोड़ी लॉन्ग होती हैं और ओव्यूल मतलब अंडाकार स्ट्रक्चर में होती हैं। कलर्स के अंदर ये थोड़े ग्रीनिश कलर की होती हैं, और ये जो है ग्लैंड्स जो हैं वो जो एनस पोर है और जो अपना पेनिस है उसके टर्मिनल एंड्स की और चारों ओर अपनी पोजीशन को बनाए रखती हैं। लास्ट जो एसेसरी ग्लैंड है उसे हम रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। ये कलर में येलोइश कलर की होती हैं, जो कि बेसिकली एनल पोर के नज़दीक स्थित होती हैं, और यहाँ से ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर का जो है वो सिक्रीशन जो है सिक्रीट करती हैं, जिसके कारण जो है एनिमल रिप्रोडक्टिव डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से जब हम मेल रिप्रोडक्शन का जो है सिस्टम की बात करेंगे, तो इसके अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करते हुए उसके स्ट्रक्चर, गोनेट्स, उसकी फंक्शन और उसके अंदर जो उसका जो सेलुलर अरेंजमेंट है वो, और उसके बाद हम उसकी जो एसेसरी जो सिस्टम में जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्क्रॉटम और डक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स की जो डक्ट्स हैं और एपिडाइडिमिस, और उनके फंक्शंस की स्टडी कर इसको कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे वो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि एक जोड़ी अंडवाहिनी और वेजाइना और योनिमार्ग और एसेसरी ग्लैंड से मिलकर बना होता है। तो डायग्राम में आपको दिख रहा है, इससे पहले मैं आपको पोजीशन वाला डायग्राम शो करता हूँ। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अंडाशय एक जोड़ी छोटे वाइट इन कलर और अंडाकार पिंड होते हैं, जो कि कंप्लीट लाइफ साइकिल में बॉडी की उदर गुहा में प्रेजेंट रहते हैं। ये किडनी के पीछे उदर गुहा में जो है डॉर्सल साइज पर प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली ये अंडाशय की जो योजनी है कनेक्टिव जो टिश्यूज़ हैं उसके द्वारा जुड़े रहते हैं, और जब मैच्योर स्टेज में ये जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कई जो हैं वो उभार की फॉर्म में ये दर्शित होता है। बेसिकली ये जो आउटग्रोथ या उभार या बडिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये अंडों को जो है बॉडी से बाहर निकालने वाली सर्फेसिस होती हैं, और अंडाशय अंडवाहिनी के द्वार पर अपनी पोजीशन को इस प्रकार से मेंटेन रखती है कि इसकी ओपनिंग एक दूसरे के समीप होती है। तो सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं ओविडक्स या अंडवाहिनियाँ। प्रत्येक अंडवाहिनी एक लॉन्ग कॉइल्ड नलिका लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका जो अगला भाग है वो कीप लाइक स्ट्रक्चर का होता है, यानी चौड़ा होता है और उदर गुहा में अंडाशय के समीप प्रेजेंट होता है, जबकि पिछला जो इसका भाग है वो गर्भाशय में खुलता है, जिसे हम तीन भागों के अंदर सब क्लासिफाइड करते हैं। पहला है सीलिएटेड फनल, यह अंडवाहिनी का एक चौड़ा एवं कीप के समान वाला भाग है जो कि अंडाशय के साथ लगा रहता है। इसके छिद्र को हम ऑस्ट्रियम कहते हैं, जो उदर गुहा के अंदर अपनी ओपनिंग को शो करता है। कीप के किनारे पर सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो फैलोपियन ट्यूब है। कीप के जो पिछले सिरे पर एक लंबी जो कॉइल स्ट्रक्चर या नलिका लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम फैलोपियन नलिका कहते हैं। इसकी जो इस ट्यूब की जो वॉल हैं वो संकुचनशील होती हैं, जो कि इंटीरियर साइड पर अगेन सीलिएटेड एपिथेलियल द्वारा कवर्ड रहती हैं, और यह स्ट्रक्चर जो है स्पर्म को
मूव करने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम में स्ट्रक्चर है उसे हम गर्भाशय या यूट्रस कहते हैं, जो कि अंडवाहिनी का जो है लास्ट पोर्शन होता है। यह भाग बेसिकली लास्ट में चौड़ा होकर पेशीय एवं संवहनीय हो जाता है और इसी के यहाँ जो है एरिया में फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। स्त्री ऑर्गन में ही एज लाइक जैसे हमने मेल के अंदर पेनिस स्ट्रक्चर पढ़ा था, फीमेल में वेजाइना होता है। यह दोनों ओर की गर्भाशय की जो है वो एक मध्य की स्थिति है, जो कि अपने नेचर में पेशीय एक जो चैम्बर होता है उसके अंदर अपनी ओपनिंग को शो करती है और यूरेथ्रा के साथ जो है इसके टर्मिनल एंड पर ये एक यूरोजेनिटल चैम्बर के द्वारा या वेस्टिबूल बनाती हुई खुलती है, जो कि वॉल्वा नामक जो है क्षेत्र के साथ अपनी ओपनिंग को शो करता है। और जब रिप्रोडक्शन है उस समय यह कॉट रिलेशनशिप के अंतर्गत जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर अपनी जो है फंक्शनल एक्टिविटीज को हेल्प एम्ब्रियो के फर्टिलाइजेशन के लिए अपनी जो है नेचर में हेल्पफुल होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। मादा से जो इसकी वेजाइना है उससे संबंधित एक जोड़ी काउपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि पेरिनियल ग्लैंड्स और जो है असंख्य बार्थोनी जो ग्लैंड्स हैं उनसे बनी होती है। और ये ग्लैंड्स जो है रिप्रोडक्शन के दौरान या उस ड्यूरेशन के अंदर उसके इंटीरियर जो पोर्शन है उसके अंदर मीडियम को जो है स्पर्म के लिए और ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल बनाती है। और नेचर में ये क्षारीय प्रकृति का होता है और इस कारण से वहाँ पर कंटामिनेशन या किसी प्रकार की माइक्रोबियल अटैक से स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी इसमें डिटेल क्वेश्चन नहीं आता इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि डेवलपमेंटल साइकिल के हम डेवलपमेंटल प्रोसेस की स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, परंतु हमें क्योंकि किसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की जो है प्री और पोस्ट स्टडी करनी है तो उसमें जो गोनेट्स का फॉर्मेशन होगा, जो गोनेट्स में जो स्पर्म सेल्स जो हैं वो सॉरी मेल के अंदर जो स्पर्म सेल्स है और जो और फीमेल है उसके अंदर जो ओवम सेल है यानी गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसकी स्टडी करनी है, और उस स्टडी के लिए हमें एनिमल के अंदर कहाँ पर जो इनके फंक्शनल साइट्स हैं उनकी स्टडी करनी है। इससे रिलेटेड इस चैप्टर पर आज हमने डिस्कशन किया और इसके अंदर अब हम जब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम आइसोलेटेड जो हैं वो स्पर्म फॉर्मेशन की जो है मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर जो है ओवरीज में ओजेनेसिस की स्टडी करेंगे। Thank you.